गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज में गद्य खंड का चैप्टर 13, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, ये आपकी क्षितिज की बुक है, इसमें आप चैप्टर 13 पढ़ेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1927 में बस्ती यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी, काट की घंटियाँ, कुआनो नदी, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, बकरी, भौं भौं, खौं खौं, इस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी। अब जो हमारा पाठ है वो संस्मरण है, जो कि फादर कामिल बुल्के पर लिखा हुआ एक संस्मरण है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर जन्मे तो यूरोप में थे, और बट उनके अंदर क्या था, हिंदुस्तानी होने की जो एक एहसास था वो जिंदा था, वो खुद को भारतीय कहते थे। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मीन्स कि वो दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम भाव रखते थे, और फिर जिस प्रकार से उनकी मौत हुई ना, वो बहुत बुरी हुई। उनकी मौत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देवी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल, गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व, मतलब अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। कि वो जिससे भी मिलते थे, ऐसे मिलते थे कि जैसे वो उनका अपना हो, जैसे वो उनका बड़ा भाई हो। ये बच्चों आपको देखिए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फादर बुल्के। अब क्या था कि उन्हें याद करना ऐसा था जैसे संगीत को सुनने जैसा, और उनकी करुणा को देखकर ऐसा एहसास होता था मानो जल में स्नान किया हो। वो जिससे भी मिलते थे एक रिश्ता बनाते थे, कभी किसी का बड़ा भाई, कभी पुरोहित, तो सब उन्हें अपना मानते थे। उनकी आँखों में ऐसा वात्सल्य तैरता था कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारु की छाया में खड़े हों। तो ये है बच्चों हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर में उन्होंने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है कि अक्सर उन्हें अपनी माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा जाता था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश, पिता और भाइयों के लिए उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम भाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गए थे, एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उन्होंने शादी की। फादर को एकाध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो बच्चों, यहाँ पे आपने ये देखा कि उनको अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव तो था, लेकिन जितना प्रेम भाव माँ के प्रति था उतना किसी से भी नहीं था। वो बात बात में यही कहते थे कि मैं सन्यासी हूँ, प्रभु की इच्छा से जो भी होगा वो होगा, और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। और उनकी माँ ने बचपन में ये कह दिया था कि लड़का हाथ से गया, क्योंकि उनके कामों को देखकर माँ को ये एहसास हो गया था कि लड़का काम हाथ से गया, मीन्स कि ये किसी की नहीं सुनेगा, इसके मन में जो भी होगा ये वही करेगा। तो ये बात भी उन्होंने इस पार्ट में बताई है। एक बार
जब फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई समाप्त की तब उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। उनसे पूछा गया कि वह सन्यासी क्यों होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, बस मेरे मन में ये बात है कि मुझे सन्यासी बनना है। फिर उन्होंने क्या किया, बेल्जियम से भारत आ गए और वहाँ पर जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में रहे, धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद दार्जिलिंग में गए, फिर वहाँ से कोलकाता गए और वहाँ उन्होंने बीए किया। तो बच्चों, फादर कामिल बुल्के जो थे ना, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के इंसान थे, सबको अपना प्यार देते थे, उनके चेहरे पे हमेशा एक करुणा की चमक रहती थी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्यों? क्योंकि मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का है कामिल बुल्के, और उनकी आंखों में क्या था, एक प्रेम भाव था। हमेशा उन्होंने सबको अपना माना, कभी किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। सब उन्हें अपना भाई, अपना बड़ा मानते थे, उन्हें धार्मिक आयोजनों में बुलाया करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। कहीं किसी के यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता था तो फादर वहाँ ज़रूर जाते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। कहीं किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उसको जाकर के शहद भी चटाते थे और अपना हाथ उस बच्चे के सर पे रखते थे, जिससे लोगों को ये एहसास हो जाता था कि अब हमारा बच्चा बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसको फादर ने आशीर्वाद दिया है। तो उनका जो एक बहुत बड़ा रुतबा था ना, वो